सो गाइस, आज की वीडियो में टिप्स एंड ट्रिक्स में आपको देने वाला हूँ ग्रेनेड के बारे में। लाइक बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे कि भाई एक अच्छा ग्रेनेड करने के लिए हमें क्या क्या चीजें फॉलो करनी पड़ेंगी, एंड मैं गारंटी देता हूँ भाई इस वीडियो के बाद आपके जो नीड्स है ना भाई 100% बंदों से कनेक्ट होने वाले हैं। सो गाइस, अगर सबसे पहली टिप की बात करें तो कभी भी भाई लेफ्ट वाली पीक यूज करके आपको ग्रेनेड नहीं करना है, क्योंकि ये वाली गलती हम अपार्टमेंट्स में बहुत ज्यादा बार करते हैं। एंड ये देख सकते हो भाई, अगर आप ऐसा ग्रेनेड करते हो तो आपके एनिमी के सामने कुछ ऐसा विजन आने वाला है। अब ऑब्वियसली गाइस, यहाँ पे तुम नॉक होने ही वाले हो, क्योंकि गाइस हो सकता है कि आगे वाला बंदा जो है ना भाई विंडो के पीछे टीपीपी लेके खड़ा हुआ हो, तो इतनी देर में भाई वो आपको इजीली नॉक कर सकता है। तो लेफ्ट साइड में पीक देके कभी भी ग्रेनेड नहीं करना है, क्योंकि गाइस लेफ्ट साइड की पीक यूज करके अगर आप ग्रेनेड करते हो तो वहां पे आपकी बॉडी ज्यादा एक्सपोज होती है। अगर कंपेयर करें इसे राइट साइड से तो यहां पे आप देख सकते हो भाई आपकी बॉडी बिल्कुल भी एक्सपोज नहीं होने वाली है, इवन आपके एनिमी को पता भी नहीं चलेगा कि भाई आप वहां पे खड़े भी हो। तो ऐसे में राइट साइड की पीक आप यूज कर सकते हो। सो गाइस, अब जो चीज मैं आपको बताने वाला हूँ ना, ये सारे ई स्पोर्ट्स प्लेयर यूज करते हैं। तो सपोज करो भाई आपके पास एक अच्छा खासा हार्ड कवर है, तो आपको ऐसे ग्रेनेड नहीं करना है, इवन आपको भाई ऐसे पीक लेके भी ग्रेनेड नहीं करना है यहाँ से। तो गाइस, ऐसे में एक सिंपल सी चीज आप फॉलो कर सकते हो, आपका आई बटन है ना वो यूज कर सकते हो। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे मैंने नीड किया मेरी आई बटन को मैंने नीचे किया ना, मुझे सारा जो आगे का विजन था ना भाई जो हार्ड कवर की वजह से मुझे मिल नहीं पा रहा था, वो इजिली मुझे मिल जाता है। तो ये वाली चीज भाई 100% यूज कर सकते हो आप। एंड जो मोस्टली ई स्पोर्ट्स प्लेयर्स है ना, हमारे कॉम्पिटेटिव के बंदे हैं, जॉनी हुए, स्काउट हुए, या फिर जो भी अच्छे अच्छे बंदे होते हैं, वो सभी भाई इनको कॉम्पिटेटिव मैचेस में यूज करते हैं। तो ये चीज भाई आप भी यूज करके जो है अच्छे खासे किल्स जो है ग्रेनेड से निकाल सकते हो। एंड गाइस, अगर अगली ट्रिक की बात करें तो यहाँ पे अगर ग्रेनेड को आपको ज्यादा दूर तक फेंकना है तो यहाँ पे भाई जंप का यूज आप कर सकते हो। एंड गाइस देखो, एकदम सिंपल सी चीज है, जैसे ही आप फेंकने वाले होते हो ना नेड, उससे जस्ट एक सेकंड पहले आपको जंप कर देनी है, एंड इससे हम श्योर आपका जो नेड है ना भाई वो ज्यादा दूरी तक जाने वाला है। एंड ये चीज भाई कहाँ पे काम आती है, जब भी हम रिजेस वाली फाइट्स ले रहे होते हैं। एंड गाइस देखो, हमारा एनिमी कभी सामने हमसे दूर थोड़ा खड़ा हो, उसके पास एक अच्छा खासा हार्ड कवर हो, तो आप ऐसे में ओपन में पुश तो नहीं कर सकते हो, तो वहां पे भाई आप ये जो ग्रेनेड की टेक्निक है ना, जिससे ज्यादा दूरी तक आपका ग्रेनेड जाएगा वो यूज कर सकते हो, एंड होपफुली आपका जो बंदा है वो इससे नॉक हो जाएगा। ओके यार गाइस, तो बात करें अगर हमारी अगली चीज के बारे में जो कि आपको ग्रेनेड करते टाइम याद रखनी है, तो वो ये कि अगर आप स्क्वाड के आखिरी बंदे बच चुके हो, लाइक आपके टीममेट्स जो है ना भाई वो पहले ही मर चुके हो, और ऐसी जगह पे आप फंस जाते हो लाइक अपार्टमेंट्स वाली जगह पे, और यहाँ पे सपोज करो आपके ऊपर पूरी एक स्क्वाड पुश कर रही है, तो भाई ऐसे कभी भी नीड आपको कैरी नहीं करना है, जैसे मैं कर रहा हूँ यहाँ पे। और ऐसे अगर आप करते हो ना, तो भाई कभी भी आपके ऊपर जो है 3-4 एनिमी एक साथ घुस के आपको टेक डाउन कर सकते हैं। तो ऐसे में एक सिंपल चीज आपको फॉलो करनी है, यहाँ पे जैसे आपको लगता है ना कि पूरे बंदे आप पे चढ़ रहे, तो सारे जो थ्रोएबल्स है ना ग्रेनेड या फिर मॉली वगैरह, वो सब आपको भाई सीढ़ियों पे फेंक देना है। एंड गाइस ट्रस्ट मी यार, ये वाली जो चीज है ना हमेशा काम करती है, क्योंकि जो बंदे घुसते हैं ना उनको लगता है कि एक बंदा है सिर्फ, तो वो देखते नहीं कि हाँ यार यहाँ पे कुछ हो सकता है, ग्रेनेड वगैरह पड़ा हो सकता है, वो सारे बस एक साथ घुस जाते हैं। तो ऐसे में भाई आपकी जो पूरे पूरे चांसेस है ना वो बढ़ जाते हैं कि आप एक दो बंदे ग्रेनेड से नॉक कर दोगे, बाकी तो फिर भाई आपकी गन पावर है, इजिली आप एक एम वगैरह से उसे नॉक कर सकते हो। बाकी गाइस, अगर वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक जरूर से कर देना। इस वाली वीडियो का लाइक हम रखने वाले हैं भाई 8000 लाइक्स, देखते आप लोग करवा पाते हो या फिर नहीं। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसी ही टिप्स एंड ट्रिक्स वाली वीडियोस के लिए।